हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन टिप्स। मैं हूँ विजय और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एवरयूथ वॉलनट स्क्रब का। तो फ्रेंड्स, वीडियो में होंगे 5 स्टेप जिनमें होंगे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, बेनिफिट्स, प्राइस, यूजर्स एंड साइड इफेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं स्टेप नंबर 1, इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसका ट्रायल पैक है। अगर आपके स्किन पर ये सूट करता है तो आप इसका बड़ा वाला पैक भी खरीद सकते हैं। ये ट्रायल पैक है और इसका बड़ा वाला पैक है जो है वो ट्यूब पैकेजिंग में आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप मेरी राय मानो तो आप इसे ट्रायल पैक ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके के पाउच पैकेट में आता है ट्रायल पैक। अगर आप बड़ा वाला पैक खरीदते हैं तो आपको ट्यूब पैकेजिंग में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी प्राइस एंड इसका बारकोड मौजूद है। से जो प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं, लाइट स्किन कलर का प्रोडक्ट है, लाइट स्किन कलर का प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसके स्टेप नंबर 2, इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो कंपनी का दावा है कि आपके स्किन से जो डेड स्किन सेल्स है उसे हटाकर आपके स्किन पर जो है नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो आपके ऊपर वाली स्किन है उसे हटाकर आपके स्किन जो अंदर वाली स्किन है उसे निखारता है। मतलब कि जैसे आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके स्किन पर एक रेडियंट ग्लो आता है और इसी के साथ साथ ये आपके फेस से ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स एंड आपके स्किन को स्मूथ बनाने का भी काम करता है। तो ये थी कंपनी के दावा। अब मैं अपनी राय बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया तब मुझे मेरी स्किन जो है काफ़ी स्मूथ एंड ग्लोइंग तो बिल्कुल लग रही थी। मतलब कि ये दो दावे तो सच होते हैं और इसी के साथ साथ ये ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी हटाता है। मतलब कि ये पूरी तरह से वर्क करता है, डेफिनेटली वर्क करता है और ये आपकी स्किन पर सूट होने पर है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को स्क्रब जो है सूट नहीं करता। अगर मेरी राय मानो तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्क्रब यूज़ कर रहे हो तो आपके हैंड्स पर इसे स्क्रब कीजिएगा और एक दिन तक वैसे ही छोड़ दीजिएगा स्क्रब करके। अगर दूसरे दिन कोई भी इचनेस या फिर आपकी स्किन पर जो एलर्जी नहीं होती तो आप इसे स्किन पर ज़रूर यूज़ करें। तो ये खड़ा उतरता है अपने वर्क के लिए, तो मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। अब बात करते हैं इसके स्टेप नंबर 3, इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये मेरे हाथ में जो पाउच पैकेट है इसकी प्राइस है 13 रुपये और ये 7 ग्राम का प्रोडक्ट है। मतलब कि अगर आप दो लोग इसे यूज़ करना चाहते हो तो दो लोग आराम से इस पाउच को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पर ये सूट होता है तो आप इसका ट्यूब वाला पैकेट भी खरीद सकते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट है ये 7 ग्राम का है और इसकी प्राइस है 13 रुपये। अब बात करते हैं इसके स्टेप नंबर 4, इसके यूजेस के बारे में। तो इसे नॉर्मली आपको फेस को वॉश करना है और बिल्कुल आपके फेस को ड्राई बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप वॉश करेंगे वैसे ही आपको गीला छोड़ देना है अपने फेस को। फिर उसके बाद आपको स्क्रब को डॉट डॉट मोशन में आपके फेस पर अप्लाई करना है और उसके बाद 2 फिंगर से अपने फेस को इस तरह से मसाज करनी है। टोटली राउंड राउंड सर्कल में आपको अपने फेस को इस तरह से मसाज करनी है और फिर मसाज करने के बाद 2 मिनट तक वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपके फेस को स्टीम लेना है, वैसे ही आपके स्क्रब को अपने फेस पर वैसे ही छोड़ देना है, उसके ऊपर ही आपको स्टीम लेना है। स्टीम से आपके जो रूम छिद्रे वो ओपन हो जाएंगे और फिर उसके बाद फिर से आपको 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, जिससे कि आपके अंदर की जो फेस की गंदगी है वो पूरी तरह से निकल जाए और आपके फेस जो है ग्लोइंग और स्मूथ बने और इसी के साथ साथ आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5, इसके साइड इफेक्ट्स की। अगर आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स, छोटे छोटे दाने वो नहीं है तो आप इसे आराम से यूज़ करिए, आपको किसी भी तरह की एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके स्किन पर छोटे छोटे पिंपल्स है तो ये आपके स्किन से जो पिंपल्स है उसे मतलब कि ये करके वो और भी बड़े कर सकते हैं। इस वजह से अगर आपके स्किन पर एक्ने पिंपल्स नहीं है तो आप स्क्रब को आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपके फेस पर पिंपल्स एक्ने हैं तो आप इसे बिल्कुल ही यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि आपके स्किन पिंपल्स जो है उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, जिससे कि आपके स्किन पर जो है दाग धब्बे पड़ सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन क्लियर है तो आप इसे यूज़ करिए। अगर आपके स्किन पर एक्ने पिंपल्स है तो आप बिल्कुल ही स्क्रब को यूज़ मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का रिव्यू जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।